अच्छा, रहे हैं। नहीं है तो हक रख के लोग आपको रखेल कर रहे हैं माई बाप क्या कहता है माई से बात नहीं होता नहीं होता है ना घर से भगा दिया होगा आपको भगा नहीं दिया होगा हाँ। बट कॉन्टेक्ट उतना कॉन्टेक्ट नहीं होता है हमारा सोचिए कि आप उस बाप को कैसे फेस कर पाएंगे जिसके जो सोशल मीडिया पे आप कह दिए आके

पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और सोशल मीडिया पर बस इनका एक ही मकसद था वायरल होना और उन्होंने जो चीज़ कर दिया है सोशल मीडिया पे मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते लेकिन इन्होंने कर दिया है अपना जो नाम खाम जो नाम बनाना था वो उन्होंने बना लिया है पहले तो सोना पांडे है हमारे साथ आ, कैसी हैं पहले ये बताइए बढ़िया आप कैसे हो मैं भी बढ़िया हूँ आपने बहुत सारा आरोप लगाया तूफानी लाल यादव पे पवन सिंह को भी कुछ कह दिया जिसको जो मन में आ रहा है वो कह दे रही हैं आप जी पगला बोला गई है का एकदम नहीं पगला है दिमाग अब जाके होश ठिकाने में है होश ठिकाने में आ गया है जी तूफानी खानीलाल यादव पे बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है कि तीन बार चार बार पांच आरोप, बार आरोप हम तो पगला जाएंगे कितने बार बोले इसको आरोप मत बोलिए सच्चाई बोलिए ये सच्चाई आरोप नहीं है अच्छा सच्चाई बोल रही है आप। ये एकदम सच्चाई है अच्छा कितनी बड़ी गिरी हुई लड़की है आपकी आपने डायरेक्ट सोशल मीडिया पे कह दिया कि मैं पाँच से छह बार संभोग कर दी हूँ इसमें कौन सा कौन नहीं करते कौन नहीं करता तो सोशल मीडिया पे बोलिएगा बिल्कुल बोलेंगे अगर मेरे साथ वो शादी करने का दावा करके और पीछे हटता तो करेंगे शारीरिक करेंगे। संबंध होता है इंग्लिश वर्ड यूज किया था, था। हाँ किया तो किया है बात खत्म किया है तो एकदम गर्व गर्व हो रहा है कि मैंने किया नहीं है मैंने किया तो किया है बस बात खत्म उस चीज को इतना बड़ा कोई इशू नहीं है सबको ही करता है मतलब सब कोई कहता है लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहता नहीं है कि हाँ मैंने सेक्स किया है मैं खुद नहीं कहती तूफानी तो अगर चुपचाप शादी वादी कर लेता आज ये मैटर आया बस शादी ना करने पे आज वो पीछे भाग रहा है शादी से तो मैं भी तो कुछ एक्शन लूंगी ना सब, आपने कहा था कि मैंने पहले दिन उनके रूम पे जब गई तो उन्होंने शूटिंग के लिए तीन चार दिन रखा था ऐसा था क्या हाँ क्या था बताइए जैसे लुंगी में नाग बार शूट करना था तो उस समय हम लोग तीन चार दिन हम उनके रूम पे स्टे किए थे तीन चार दिन हाँ। आप सोचिए कि आप कितनी खराब लड़की हैं कि उसके रूम पे आप तीन चार दिन रुक गए बिना कोई बिना कोई मतलब आप आपका तो पहले से उनसे रिश्ता नहीं था इंटरेक्शन था इंटरेक्शन था, था।, था।, था। दिन तारा इंटरेक्शन हो गए नहीं पहले से बात था ए, वो मैं बोल रही हूँ इंटरेक्शन पहले हम लोग का होता था नो डाउट कि हम लोग बात नहीं किया हम दिल्ली गए वो सारा बीच में कॉन्वर्सेशन होता रहा मेरे पास कॉल लिस्ट है जितना वो कॉल किया था लेकिन आप डायरेक्ट आके किसी गैर मर्द को उनके आ गए सब मैटर था भाई हो गया था पहले लव यू लव यू दोनों की तरफ से लव यू टू एंड ऑल सब हो गया था फिर वो बोले की एक काम कीजिए पटना में आइए चार दिन आइए रहिए हमारे रूम पे हम बोले कि ठीक है रह जाएंगे नो डाउट तो बोले कि ठीक है आइए रहिएगा मेरे लुंगी तो, लुंगी में नागबा, लुंगी में नागबा नागबा ऐसे यादव जी तारा और आपने पूरा ओपन कर दिया हाँ तो उसको अपने घर बनानी थी अपने घर की इज्जत बनानी थी।, थी तो मतलब पूरे सोशल मतलब समाज में आप गिरी हुई बन गई पूरा घटिया बन गई पूरी वाहियात बन गई कितना अच्छा लगा वाहियात आपके लिए बने हैं और घटिया आपके लिए बने मेरे लिए नहीं बनी पूरी समाज के लिए बनी है

तूफानी जब खुद से तुम सेंस लगा के बोल रहे हो मैं तो तुम लोगों को सही प्रूव कर रही हूं ना भाई कि हाँ तुम लोग जो सोच रहे थे वो तो सही था आज तूफानी शादी नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है तुम लोग चढ़ो उस पर सबके आगे तो गुहार कर रही हूँ कि आप प्लीज आप लोग जाओ उसको समझाओ उसके मत्ती में भ्रष्टाचारी के मत्ती, मत्ती में उसके भरो कि वो हमसे शादी करे गाँव बाप क्यों गरी कैसे फेस फेस कर ले रहे हैं जब लुंगी में नायक रहे हैं ठीक है कितनी गिरी हुई है आप बिल्कुल हुई नहीं। भोड़्पुरींड, आप ये चीज असली या घटिया नहीं, या नहीं। वो तो था मेरे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा था मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है और इनफेक्ट इसे अच्छा तो नंगा डांस करना है इससे अच्छा नंगा डांस करना वो भी कर लीजिएगा प्रोफेशन के हिसाब से मेरा मर्जी है ना जब जितना तक मुझे कम्फर्टेबल होगा उतने तक मैं करने को रेडी हूँ कैसे प्रक्रिया स्टार्ट हुआ तीन चार दिन के अंदर प्रेग्नेंट भी हो गया नहीं, नहीं 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 फिर उसके बाद मैंने लुंगी में नागबा किया फिर हम लोग के बीच में थोड़ा डिस्ट्रेक्शन हो गया था डिस्टर्बेंस अच्छा। काफी क्रिएट हो गई अट्रैक्शन होता होता है है उसके बाद चार दिन में प्यार हो जाता है चारों दिन में खत्म हो जाता है लुंगी में नागबा जैसे ही मैंने गाना किया डेढ़ दो महीने उसके बाद हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक होली का गाना चंदा पांडे के साथ कर लिया आर्टिस्ट से किसी के साथ भी काम कर सकता है क्यों कर लेगा क्यों नहीं करेगा वो जब मुझे बांध कर रख रहा है कि आपको अश्लील किसी के साथ अश्लील सीन किसी और के साथ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ करना है तो मैं क्यों उसको छोड़ दूँ कि तुम किसी के साथ भी कर लो आपने ये भी आरोप लगाया कि वो मेरा मैं ड्रेस खरीदने जाती थी तो मेरा ब्रा वरा सारा कुछ वही खरीदते थे वीडियो कॉल पर चेंजिंग रूम में सबसे पहले पहन आओ दिखाओ मुझे कंट्रोल में रही हूँ तो सोचिए आप कितनी गिरी हुई लड़की हैं कि आप चेंजिंग रूम में जाके आप अपना ब्रा दिखाते चेंजिंग रूम में नहीं चेंजिंग रूम में जैसे अपने रूम में लेकर आए मैं पहन के उन्हीं के फ्लैट पे पहन के बोलेगी आप बाहर आइए ना हमको दिखना है कि कैमरे पे लुक कैसा लगेगा आपका तो जाके अपन ओकर माई की क्रिया खिया के पूछिए कि सब कह के ना थोड़ा सा आपका कैमरे पे लुक देखना है कि कैसा है लेगा फोटो क्लिक करके रखेगा अपने पास किस लिए? किस लिए आप बताइए वही बता ना ये जब प्यार नहीं था कुछ था नहीं हमारे हम ये सब पेपराजी कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे तो ये सब चीजें क्यों हुई थी मेरे लाइफ में आप क्या कर रही है आप मीडिया बाइट इतना क्यों दे रही है तो आ, आप डायरेक्ट तूफानी लाल यादव से आ, स, मतलब एक साथ होकर आप बात कर नहीं, सकते नहीं, 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 लग नहीं, रहा, वो रहा होना है फेमस नहीं वो सामने से बात ही नहीं करना चाह रहा आप क्या करोगे अपनी आवाज वहां तक कैसे पहुंचाओगे सामने से बात ही करना नहीं चाह रहा वो नहीं करना चाह रहा नंबर मेरा ब्लॉक करके रखा है अभी कॉल करके दिखाए नंबर मेरा ब्लॉक करके रखा है वही गिरी, गिरी, गिरी हुई लड़की में उस समय बहुत मजा आ रहा था उसे सबको बोल रहा था कि यार मॉडल देखे लेकिन सोना पांडे अच्छा वो लड़की ही अलग है उस समय जब तारीफ है की पुल बांध दो, रहा है तो डायरेक्ट कह रहे हैं तो वही कहेंगे ना पुतकी में पुतकी नहीं पुतका में पुतका घुसा हुआ उनका ठीक है देखिए कितना आ, असली शब्द बोल रही है, तो, था, था तो है। किसके बाद शारीरिक संबंध कैसे आया कैसे सारा कुछ लुंगी में नाग बॉन्ग करने से पहले चार दिन मैं उनके फ्लैट पे रही थी उसी समय हम लोग का जो रिलेशनशिप बना था फिर उसके बाद देवरा दुश्मन मतलब पहला दिन लुंगी में नाग जब करने गई

तो पहला जो पैराग्राफ था वो तो हो गया था सारा एक दिन में शूट हो गया था और जो सुबह का जो दूध वाला था सीन वो नहीं तो हफ्ते दस दिन बाद मैंने डेट दे के <coughs> मतलब प्यार हुआ दो महीने के बाद सारा कुछ हो गया ना जी कितना बड़का तू प्यार के लिए दो महीना में सबे कुछ कर दे बिल्कुल <coughs> लड़कियां प्यार में अंधी होती है अंधी में कुछ भी करवा लेती हैं कुछ भी नहीं कुछ भी तो करवाया है आपने किसी की तुम मैया।, मैया नहीं सब कुछ तो आपने करवाई लिया है चल जाओ <coughs> माँ की गाली देकर चल जाओ और कुछ छोड़ देगा। की गाली देकर वो गए थे बिल्कुल वो क्या नहीं किया मार, पीट मेरे साथ अभी भी हटा बोलेंगे तो घटिया इंसान के लिए मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे कि वो कितना घटिया है

जब कैमरा ऑफ कीजिए मैं आपको सबूत दिखा रही मतलब एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर आपका शादी हो गया एक दिन के अंदर शादी भी हो गया आप मतलब लोग कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि वो एकदम ड्रामा कर रही है और सोशल मीडिया पे बस उसका एक ही मकसद है फेमस होना अच्छा फेमस होने के लिए हम ये चीज़ बोलेंगे कि हम इतने साथ इतने बार सेक्स किए हैं मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी अपने बच्चे को ये ख़त्म किया है मैंने ये सब बोलूंगी मैं फेमस होने के लिए अपना नाम रेपुटेशन इतना गिराऊंगी राखी सावंत तो बोल देती है अरे

किसी के साथ काम करने से आप सा... अभी जब ये चीज बोल रहे हैं आप लोग कि किसी के साथ काम करने से शादी नहीं कर सकते तो किसी के साथ काम करने से आपका नाम जुड़ जाता है नहीं जुड़ता है तो क्यों जुड़े मेरा नाम तो गांव का गांव के हिसाब से चलिए कि अपने घर घर माँ पिता के हिसाब से चलिए मैं सबके हिसाब से चलूंगी मैं खुद की मर्जी भी करूंगी लोग मेरा क्यों नहीं सुन रहे हैं आज कैसे सुनेंगे आपका रो रही हूँ हाथ काट रही हूँ मर रही जी रही हूँ लोग पूछने आ रहे हैं कोई नहीं पूछेगा क्यों नहीं आ रहा है क्यों पूछेगा आपको

है। नहीं, मैंने देखा है कि आपने ये बोल दिया कि लड़की दे नहीं तो, लड़का तो मैंने जो किया वो प्यार में पड़ गया बाकी सब बाकी सब लोग कुछ भी काम करवाने के लिए कर देते मेरे को घंटा मतलब नहीं वो लोग मुंह पिटाए जिससे पिटवाना कुकुर से जाके मुंह पिटाए हमको एकदम मतलब नहीं मुझे अपने से मतलब है मुझे कैसे रहना है मुझे इंडस्ट्री में कैसे चलना है ने तो डायरेक्ट कह दिया है कि मेरा मतलब लुंगी इतना ढीला नहीं है लंगोट इतना आ, लंगोट इतना ढीला नहीं है उन्होंने डायरेक्ट कह दिया मेरा लंगोट इतना ढीला नहीं है तो उनका माई बाबू जानत हुई है कितना हमारा लड़का के लंगोट ढीला बने उनका माई बाबू जानते हुए जाना जानते तो बहुत गंदा बोल जाएंगे तो बोलिए क्या क्या है उन्होंने तो डायरेक्ट बोला कि की तूफानी का लंगोट इतना ढीला नहीं है मार, आ, मजे मारते वक्त पता नहीं चला था उसको किससे मजा मारा मेरे साथ सेक्स करते वक्त उसको नहीं समझ में आता कि मेरा लंगोट ढीला है सारा प्रूफ करेंगे समय आने दो अच्छा मैंने देखा आपका इंटरव्यू मैंने देखा एक इंटरव्यू आ रहा था तो मैंने देखा उसमें आपने डायरेक्ट पवन सिंह जी को भी बोल दिया खेसारी लाल यादव जी को बोल दिया जिसको मन में आ रहा है वो बोल दे कि डिंपल सिंह घटिया है

कल भर में वो कहती है कि जिज्जा है हमारे कौन रिश्ता से डिंपल जिज्जा लगेगा बलिया की है तो कह देती है जिज्जा अच्छा बलिया की, है।, बलिया की है।, है आज तक ज्योति को दीदी बोली है बोली होंगी आपने देखा है क्या आपने देखा है क्या मैंने मैं। नहीं देखा वो अलग मैटर करता मैंने नहीं देखा लेकिन किसी किसी लड़की। किसी लड़की के चरित्र पे आप कैसे उंगली उठा सकते हैं बिल्कुल उठा सकते हैं उठा सकते देखिए ना पेन का लौटता है वो तो इन्हें डरकती है उन्हें डरकती है वो कहीं भी डर के लेकिन किसी लड़की पे कैसे आप इल्जाम लगा देंगे आरोप लगा देंगे इसलिए आरोप लगा देंगे कि देखो अगर मेरे को कंपेयर किया जाएगा उससे तो मैं बिल्कुल लगा दूंगी किसी भी क्योंकि मैं आप काजल आप 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 रघवानी को भी बोल दिया आपने आपने काजल का, लगवानी को भी बोल दिया क्या काजल लगवानी और खेसारी जी के बारे में आप नहीं जानते मतलब जानते हैं तो इसका मतलब क्या है सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दीजिएगा कुछ भी सोशल मीडिया सोशल मीडिया जानता है पूरे लोग जानते हैं पूरा ऑडियंस जानता है यहाँ पे आप बात किससे कर रहे हैं ऑडियंस के बीच में आप बातें रख रहे हैं ना ऑडियंस ऑडियंस ये जानती है की लिए दिया है एकदम जानता है कौन नहीं जानता है महकवा बंद कर, ना। बाद कर बात बात तो सही कही थी सही में। नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं कहेंगे ऐसा जीवन में नहीं कह सकते यानी खेसारी और पवन किसी का लेते देते नहीं है देखिए पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा एक खेसारी और पवन मत कहिए खेसारी के पीछे जी लगाई और पवन सिंह जी के पीछे जी अच्छा, लगाई अच्छा भोजपुरी के स्तंभ कहे जाते हैं ये लोग बहुत तब हम मनोज जी क्यों ना बोले एकदम बोलिए एक मिनट एकदम बोलिए वो लोग स्तंभ है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाला लोग नाए, नाए, नहीं नहीं, ये, आपको तब तो पता नहीं पहले चीज कि आप पवन सिंह जी को जी नहीं कही खेसारी जी नहीं कहिएगा तब तो कुछ भी बोल दीजिएगा मुझे उन लोग से काम थोड़ी चाहिए काम नहीं चाहिए फोटो तो दिखा है मैंने पवन सिंह जी के साथ में सट के आप फोटो खिंचवा लेते बिल्कुल मैं रिस्पेक्टफुल तब तक हूँ जब तक मेरे से सामने तो रिस्पेक्ट से बात पवन सिंह ने आपको गाली दिया है क्या खेसारी निकाली दी अभी डिम्पल के बारे में आप बात कर रहे हैं नहीं नहीं, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव को आप कुछ भी बोल दे रही है पवन सिंह के पीछे जी नहीं लगा रही है लग रहा है कि आप सबसे बड़ी सोशल मीडिया की किंग हो गई हैं बिल्कुल नहीं हुए हैं अरे बापरे कैसे तो तो बोल दीजिएगा पवन सिंह को वो लोग किंग है भाई हम लोग को बनना ही नहीं है हम लोग जिस लेवल पे है वही लेवल काम करना है ये लोग का अपना इंडस्ट्री वो लोग संभाले मेरा ये इंडस्ट्री है ही नहीं मैं कैसे डिंपल को बोल डिंपल को कैसे बोल दी डिंपल को आप कैसे बोल दीजा कैसे बोल दीजिएगा आप किसी को बोल दीजिएगा आपको जो मन करेगा वो बोल दीजिएगा बिल्कुल बोलेंगे जो गलत कह रहेगा उसको बोलेंगे तो आप कैसे आप आपका भाषा कैसे है महाराज की आप तो डायरेक्टली बोल देते कि लेगा तो देंगे नहीं देंगे तो लेंगे नहीं ये तो क्या बात हुआ वो बताइए ये क्या बात हुआ बताइए ये बात क्या हुआ बताइए लेने देने की बात क्या कर रही हैं आप लेने देने का मिनस होता क्या है नहीं तो आप जानती है ना आप जानती है आप डायरेक्ट बोल दे भी आप किसी को कैसे बोल सकती है आप डिंपल को कैसे बोल सकती है अभी हम आपसे कहे हाँ। कि आप मुझे फेमस कर दीजिए लेकिन आप जो कहेंगे वो मैं करने को रेडी हूँ आप मुझे फेमस कर दीजिए क्या करोगे आप मुझे मुझसे खुशी मत मुझसे मत पूछे मुझसे मत पूछे मैं आपको बोल रहा हूँ मुझसे मत पूछे ये चीज आप आप खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को कैसे बोल दी ये बताइए आप डिम्पल सिंह को कैसे बोली आप काजल लघवानी को अक्षरा सिंह को कैसे बोल दी मैं अक्षरा जी को बोली नहीं, नहीं। मैं काजल काजलानी में डिम्पल की बात करी अनुपमा की अनुपमा तो बातें मत करी अनुपमा यादव तो बातें मत करी पहले चीज की अनुपमा यादव को बात मत जब जान करो की किसी का घर शादी बसा हुआ है तो घर फोरन मन गए तुम कहेंगे घर फोड़ा है घर फोरन डिम्पल बनना चाहिए अनुपमा बनना चाहिए ये बताइए कि जैसे ही ज्योति घर में एंट्री मारी दोनों का रास्ता पवन जी किससे अलग हुआ क्यों अलग हुआ कुछ पता ही नहीं है आपको कुछ पते नहीं आपको कुछ पता नहीं बता दें दे बता दें आपको पता है कि भर भर्च, भर चुनाव अनुपमा यादव उनके साथ प्रचार की पता है डिंपल सिंह नहीं किए तो है लेकिन अनुपमा यादव की है डिंपल कहाँ थी अभी आप डिंपल के बारे में बात करी थी कहां थी? कहां थी आप किसी को कैसे गलत बोल है नहीं प्रचार में नहीं गई यदि नहीं आई तो अब रखेल हो गई रखेल कर दीजिए किसी को जब सतवा में अच्छा ऐसे ही कोई कमर में हाथ डाल लेगा आपको स्टेज पे नहीं डालेगा समन, और ऐसे ही घूमेगा किसी वो, कल, वो कलाकार है जितने बहुत बड़े मतलब पवन सिंह तो है बड़े सुपर स्टारे सारी भी सुपर स्टार है एक मिनट मैं क्या बोल रही हूँ पवन जी इतनी बड़ी ब, बहुत बड़ी हस्ती बन गई है डिम्पल सिंह कि पवन जी के साथ घूमती है नहीं घूमेगी वो कलाकार है कलाकार के साथ कलाकार घूमेगा अच्छा अच्छा तब तो तू भी तूफानी आपे भी आता है ना क्या तूफानी की रखेल थी फिर हम रखेलते हैं हम तो हम तो कहते हैं कि हम रखेल नहीं हम बीवी थे उसके तो आप बीवी कैसे थी अभी तो रखेली हुई ना नहीं आपको भी छोड़ा आपको भी आपको नहीं, नहीं। यूज किया आपको फेंक दिया यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया नहीं, आपको नहीं, नहीं। प्यार था ना प्यार कैसा प्यार कैसा पहला दिन तू जाता हुआ दूसरा हो गई सारा दिन सो है तो क्या कहता डेढ़ महीने दो महीने बाद हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं वो भी प्रॉपर हम लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन उतना हाई वो कौन सा कॉन्वर्सेशन है जो दो महीने में शादी कर देता है और तीसरा महीने में सब कुछ लिया दे हो जाता है